हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और बढ़िया से फ्री फायर खेल रहे होंगे। चलिए गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से गाइस नई वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ, जो भाई पिछले वाली सभी वीडियो से भाई सबसे ज़्यादा गजब की ओपी एकदम औसम होने वाली है। तो गाइस, आप लोगों को वीडियो पूरी ध्यान से लास्ट तक आप लोगों को देखना है, ठीक है। इस वीडियो में गाइस मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि आप लोगों को किस किस प्रॉब्लम का आप लोगों को सोल्यूशन आप लोगों को होने वाला है। सबसे पहले आप लोगों को भी ऑटोबैक का, क्रैश का, 2 GB 3 GB रैम वाले जितने भी फ़ोन हैं उनके अंदर मतलब रैम से रिलेटेड जो जितने भी आप लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है वो सब आप लोगों का वो सोल्यूशन इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए गाइस, वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है और ध्यान से देखिए, तभी आप लोग स्टेप फॉलो कर पाओगे और तभी आप लोग वो इफेक्टिवली अपना फ़ोन है वो फ्री फायर है वो आप चला पाओगे फ़ोन के अंदर, ठीक है। सबसे पहले दिक्कत क्या हो रही है फ़ोन के अंदर कि आप लोगों के भी 2 GB रैम है, रैम की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और दूसरी हो रही है प्रोसेसर की दिक्कत। सैमसंग जैसे फ़ोन हो गए उसके अंदर प्रोसेसर क्या है, लो डिवाइस में काम करने वाला प्रोसेसर है, जिसके कारण वो फ्री फायर है वो थोड़ा हाई हो चुका है, हाई ग्राफिक्स वगैरह से उनसे मतलब काम नहीं कर पा रहा है वो मतलब अच्छे से फ्री फायर। इसके लिए गाइस मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने एक कॉन्फ़िगरेशन दूंगा जो बिल्कुल लाइट किया हुआ होगा, ठीक है। मतलब प्रोजेक्टर वगैरह, कॉस्ट्यूम पैक वगैरह सब कुछ है वो रिमूव किए हुए होंगे और बिल्कुल मतलब लाइट किया हुआ होगा। HTML कॉन्फ़िगरेशन भी उसके अंदर ऐड किया हुआ होगा और जितने भी मतलब सारे कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जितने भी आप लोगों के मतलब इश्यूज़ वगैरह हैं वो सब उसके अंदर ऐड किए हुए होंगे। और अच्छे आपको 60-70% आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप लोगों को वो मिल जाना चाहिए, ठीक है। लैग की प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं कह रहा हूँ 100% आप लोग की लैग की प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि 3 GB रैम भी गाइस उसमें भी है वो लैग की प्रॉब्लम हो रही है। ऑटोबैक की प्रॉब्लम है वो रियलमी, रेडमी, वीवो वगैरह में दिक्कत नहीं हो रही है, उसके अंदर केवल लैग की दिक्कत हो रही है, क्योंकि भी प्रोसेसर रैम पर भी डिपेंड करता है, प्लस आप लोग कितना मतलब फ्री स्पेस रखते हो, कितनी मतलब सेटिंग वगैरह रखते हो उस पर भी आप लोगों को डिपेंड करता है, ठीक है। सब कुछ आपके ऊपर होता है। कॉन्फ़िगरेशन में मैं सिर्फ लाइट करके दे सकता हूँ आप लोगों को, किसी भी यूट्यूबर का आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, HTML कॉन्फ़िगरेशन ट्राई कर लीजिएगा, किसी का भी ट्राई कर लीजिएगा, केवल आपको लाइट करके हम दे सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन को, ठीक है। उसको इफेक्टिवली काम करना सिर्फ आप लोगों का मतलब काम रह जाता है। फिर वो सेटिंग वगैरह करके देखिए, बैटरी सेवर मोड आप लोगों को ऑन करके चलाइएगा, ठीक है। एनिमेशन स्केल है वो कम करके रखिएगा और भाई रैम है वो एक बार क्लियर वो है वो रीसेट आप लोग जरूर कर लीजिएगा। फैक्ट्री डाटा रीसेट की बात कर रहा हूँ मैं, वो वाले रीसेट की बात नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट्री डाटा रीसेट की बात कर रहा हूँ मैं, वो आप लोग एक बार जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। उससे आपका फ़ोन अब एकदम रीन्यू हो जाता है। काफ़ी बंदों को पता भी नहीं होगा भी फैक्ट्री डाटा रीसेट क्या होता है, तो भाई यूट्यूब पर जाकर आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। वो आप लोग कर लीजिएगा और कॉन्फ़िगरेशन लगाने के बाद में एक बार आप लोग फ़ोन को रिस्टार्ट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग केवल है आप लोगों को भी सजेशन दे सकते हैं। अगर आप लोगों को करना है काम तो आप लोगों को भी सेटिंग से, कॉन्फ़िगरेशन से सबका है मतलब एक साथ है वो काम करेंगे, तभी वो आप लोगों का है वो ऑटोबैक क्रैश का सोल्यूशन आप लोगों का हो पाएगा, ठीक है। तो आप लोग सेटिंग वगैरह की आप यहाँ देखना चाहते हो यहाँ देख लीजिएगा, पर आप किसी दूसरे यूट्यूबर की भी आप लोग देख सकते हो, दूसरे यूट्यूबर की भी आप कॉन्फ़िगरेशन वो यूज़ कर सकते हो, जो अच्छा लगे आप लोगों को वो कर सकते हो, ठीक है। मेरी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो लगभग है वो 80-90% कॉन्फ़िगरेशन है वो वर्क करते हैं, और भाई फालतू की मैं कॉन्फ़िगरेशन डालता भी नहीं चैनल के ऊपर, केवल जो वर्क करेंगे वही डालूंगा और बिल्कुल टेस्ट करके डालता हूँ। और ऐसे भी नहीं है सीधा मुँह ठायर डाल दिया, वीडियो बना दी, कॉन्फ़िगरेशन डाल दी, व्यू लेने हैं अपने को, तो बस ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल आप लोगों की मतलब प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़्यादा जल्दी आप लोगों का प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको हो, ठीक है। 3 GB 4 GB रैम वाले में इफेक्ट, चार्ज मैं बोल रहा हूँ 2 GB रैम में कहाँ से चलेगा गाइस, 4 GB रैम वालों में भी लैग कर रहा है फ़ोन। आप सोचिए 2 GB रैम वालों में कैसे चलेगा। आप लोगों को है बिल्कुल है वो सेटिंग आपको अच्छे से मतलब करनी पड़ेगी और बिल्कुल एक बार आप वो रीसेट, फैक्ट्री डाटा रीसेट एक बार जरूर कर लेना एक बार। जैसे आप लोगों को भाई क्वेश्चन मैं आप लोगों को पुटअप कर रहा हूँ कि अगर आप करते हो फैक्ट्री डाटा रीसेट तो आप लोगों को भी डाटा वो सब कुछ वो लॉस होगा। लॉस होने के बाद में केवल आप लोगों के पास केवल फ्री फायर है वो फ़ोन के अंदर बचेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, आपकी रैम है वो पूरी कंप्लीट फ्री होगी, एटलीस्ट तो मेन जो मतलब आपका वर्क रह जाता है वो है आपका रैम फिक्स करने का। जितना आप रैम फिक्स करोगे उतना आपका फ़ोन है वो स्मूथ चलेगा, प्रोसेसर अच्छा चलेगा, फ्री फायर अच्छा चलेगा, कम ऑटोबैक होगा, ऑटोबैक तो होगा ठीक है, लेकिन कम होगा तो ऑटोबैक होगा। आप लोग एक या दो मैच आप लोग कर पाओगे, क्लैश वर्ल्ड का एक मैच कर पाओगे, कस्टम आप लोग एक पास कर पाओगे, ठीक है। सब कुछ रैम का खेला, रैम जितना फ्री रखोगे उतना आपका फ़ोन है वो बढ़िया काम करेगा, अच्छे से काम करेगा। कोई भी अगर दिक्कत क्वेरीज हो नीचे गाइज मैं मेरा एक ग्रुप बना रहा हूँ, मतलब जितने भी मतलब जिनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो चुका है या फिर होने वाला है उन सबका ग्रुप बना रहा हूँ, तो आप लोग ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। कोई इशू नहीं है, अगर होना चाहते हो तो हो सकते हो, वरना मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगा कि आप लोग ज्वाइन हो,
ठीक है, मेरा ग्रुप है जल्दी से, अभी मतलब एक दो दिन पहले ही बनाया ग्रुप, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो उस ग्रुप से। चलिए एक बार सीख लेते हैं कि भाई कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लगाते हैं। सबसे पहले आप लोग डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना ZRTVR से, आप लोग उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में एंड्रॉइड में जाके डाटा में जाके उसको पेस्ट करना है, बस इतना सा काम है। ठीक है, ये com.details फ्री फायर कुछ, ये आपको एंड्रॉइड में जाना है। ठीक है, इसको मैं कहीं दूसरे फोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ पहले। सीधे सिंपल से स्टेप है, मेरे चैनल पर भी देख सकते हो, किसी दूसरे चैनल पर भी आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक है, इसको कॉपी करूँगा, किसी दूसरे फोल्डर में मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। ठीक है, अब एंड्रॉइड में जाऊँगा, डाटा के अंदर जाऊँगा, com.details कुछ ऐसी फाइल आप लोगों को मिलेगी डाटा के अंदर जाती। ठीक है, इसको आप लोगों को करनी है डिलीट, डिलीट कर दो या फिर मूव कर दो, आप वो आप देख लो आप। ठीक है, डिलीट मैं तो डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से फाइल है कॉपी की हुई इसकी, प्लस आप लोगों को जितनी भी फाइलें आपको दिखाई दे रही है डाटा के अंदर वो सब आप लोगों को डिलीट मार देनी है। डिलीट मारने के बाद में आपने जो कॉपी पेस्ट किया है वहाँ पे फाइल, उसको आप लोगों को लेनी है और वहाँ पे डाटा में जाके आप लोगों को पेस्ट कर देनी है। बस सिंपल से स्टेप है, ज़्यादा हाई फाई स्टेप कोई भी नहीं है कि उसमें जाओ उसमें जाओ उसमें जाओ, सिंपल से स्टेप है। केवल आपको एंड्रॉइड में डाटा में com.details फ्री फायर कुछ ऐसी फाइल होगी उसको केवल रिप्लेस करना है मेरी वाली फाइल से, बस ये सिंपल से स्टेप है सीधी भाषा में बोलूँ तो। ठीक है, फिर भी अगर भाई गाइज किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा तो गाइज मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं। वीडियो को लास्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वर्क करें तो भाई थम्स अप जरूर करिएगा।